Thank you. लो जी, झारखंड में तो मानसून आ गया। वैसे गुड मॉर्निंग, फिलहाल दिन के 11 बज रहे हैं और गुड मॉर्निंग अभी बोलना हो रहा है। वास्तव में मैं सुबह अपनी मम्मी को ऑफ़िस छोड़ने गया था और ऑफ़िस छोड़ने के बाद अभी आया हूँ, तो देख रहा हूँ कि भाई सुबह में मौसम तो भाई भीगा भीगा बारिश वाला था, बट अभी भैया बातें ऐसी है कि हमसे ऊपर रहा नहीं जा रहा था। सो मैं सोचा कि भाई रूम चलता हूँ, रूम में कुछ काम भी हो जाएगा। वैसे तो भैया एक बात बता दूँ कि मुझे बातें करनी है, कुछ इम्पोर्टेंट बातें। सो बातें होगी, फिलहाल मेरे को कुछ काम है, कहने का मतलब 11 बज रहे, 11:15, तो थोड़ा स्टडी कर लेता हूँ, उसके बाद फुर्सत से आपसे बातें किया जाएगा। और एकांत से तब तक कुछ देखा जाए। यार ये स्टडी बड़ा हेड है। कह रहे बाबा, खैर हमारा तो अभी बुलावा आ गया, कहने का मतलब मम्मी को लेने जाना है, तो निकलता हूँ। वास्तव में अभी मुझे नींद आ रहा है, बट जाना तो पड़ेगा। क्या तो आ गई। यार कांके रोड की तुलना में खटाल में सब्जी कुछ ज्यादा सस्ता मिलता है। यार यहाँ सस्ता है, बट मुझे यहाँ से सब्जी खरीदना पसंद नहीं है क्योंकि बहुत गंदा है यार। यार घर पहुंचने पर थकावट बड़ा फील हो रहा है। पिटाएगा ना कधान था। फिलहाल रात के 12:15 बज रहे हैं और स्ट्रीट लाइट तो जबरदस्त का लाइट दे रहा है। यार दो दिन से क्या बोलूँ, खबर देख देख के बस एक ही न्यूज में खिल चुका था, तो सोचा कि शायद थोड़ा अलग कुछ देखा जाए, तो टीवी देखना हो रहा था। सो टीवी देख के फ्री होना हुआ है और तभी से बारिश हो रहा था और फिलहाल हल्का हल्का कहने का मतलब टिप टिप आ रहा है। सो थोड़ा सा मौसम का आनंद लिया जा रहा है। लो जी, तो आपका भाई रूबरू होने वाला था आपसे सुबह, बट हो कब रहा है रात के 12 बजे। तो भैया बता दूँ, हुआ ये कि यार सुबह थोड़ा सा शरीर साथ दे नहीं रहा था। खैर ये सब बहाना है, कहने का मतलब यार ऐसे भी समझो कि आपका भाई रात में कुछ ज़्यादा ही एनर्जेटिक फील करता है, तो रात में ही रूबरू हो रहा है और बातें करनी थी इम्पोर्टेंट, तो रात से अभी से अच्छा टाइमिंग क्या हो सकता है। तो चलिए इम्पोर्टेंट बात क्या है मैं बताता हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो भी मतलब जो भी मैं बोलने वाला हूँ वो मुझे नहीं पता क्या बोलने वाला हूँ, बस जो भी निकलेगा दिल से निकलेगा। तो भाई अगर उल्टा सीधा कुछ भी बोल देता हूँ ना समझी वाली बात, तो भाई मेरे को माफ़ करना। ओके, तो चलिए कहानी ये है कि दो दिन से मैं टीवी हो गया चाहे सोशल नेटवर्क के कोई भी प्लेटफॉर्म में, बस एक ही चीज मतलब जब भी खोल रहा हूँ एक ही चीज देख रहा हूँ, सुशांत सिंह राजपूत। भाई क्यों ना हो, इतना बड़ा हस्ती जो था तो ये तो होना ही था, बट
ये देखने को मिला यार। उसके बाद लोग का दुखी दुख जाहिर करने का सबका अपना अपना था, जैसे भी हो सके लोग दुख जाहिर कर रहे हैं, वीडियो शेयर कर रहे हैं, फोटो शेयर कर रहे हैं, लोग तरह तरह की बातें भी कर रहे हैं कि ऐसा क्यों, मतलब ऐसा हो सकता है कहानी। बट जहाँ तक मैं जान रहा हूँ, मतलब मेरा एक्सपीरियंस कि आज से पहले ये पहला बंदा नहीं था, इससे पहले भी और भी सेलिब्रिटी रहा ऐसे केस में, मतलब सुसाइड वाला। हुआ क्या है कि आज तक उसके बारे में कोई नहीं जान पाया कि भाई ये हुआ क्यों, क्यों किया, मतलब वो जो राज था राज ही बना रहा। सो अब इनका क्या होने वाला है मुझे तो नहीं पता, और ये क्यों किया, क्या रहना चाहिए। हालांकि जब मैंने भी सुना तो मुझे भी शॉकिंग था कि ऐसा क्यों, मतलब क्या बताऊं। और जो दो दिन से वीडियो देख रहा हूँ उससे हो ये रहा है कि यार अब तो और फील होने लगा कि यार ऐसा क्यों, मतलब वो तो और जीवित हो गया कहने का, मतलब वो सब वीडियो देख के। तो भाई मेरा मुद्दा ये नहीं है कि क्या है, मेरा मुद्दा ये है कि सुसाइड, कहने का मतलब यार मेरे को नहीं लगता कि ये सुसाइड किसी चीज का इलाज है। अब हम बात करने वाले हैं सेलिब्रिटी से हट के, सेलिब्रिटी तो सेलिब्रिटी होता है, उसके बातें पूरी दुनिया करते हैं, बट जो आम आदमी है वो, कहने का मतलब मैं चलिए स्टार्टिंग से बताता हूँ कि जब मैं 10th में था तो एक मेरा पड़ोसी था, उसको मैंने देखा सुसाइड करते हुए। फिर मैंने दूसरा केस देखा जब मैं कॉलेज में था सेकेंड ईयर, तो वो हॉस्टल का एक बंदा था, कहने का मतलब हमारा बैचमेट, उसको देखा। और थर्ड केस मैंने ये देखा, मतलब इधर ही पड़ोसी है, वो तो बच्चा था यार, उसको भी ऐसा ही केस में देखा। तो दो केस तो समझ में नहीं आया, किसी को पता भी नहीं चला, गुप्त ही रहा। एक केस में सिर्फ पता था कि जो फर्स्ट टाइम देखा था वो लड़की का चक्कर था, कहने का मतलब प्रेम सेम का चक्कर था। तो है वो, बट उस वो जब केस में देखा था तो प्रेम सेम का चक्कर तो था, पर वो किया जो भी डिप्रेशन में था, जो भी था वो दिखाने के लिए उस समय उसको दिखाना, जो भी था लड़की को अफसोस जताना। बट जब ऐसा किया तो क्या हुआ, लड़की को कुछ अफसोस हुआ? कुछ नहीं, वो तो भाई अपना लाइफ जी ही रही है। सबसे ज्यादा मतलब तीनों केस में सबसे ज्यादा कॉमन फैक्टर क्या है, मतलब इसमें दुनिया वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब होगा तो लोग आएंगे, दो वर्ड आपको दुखी जाहिर करेंगे, फिर क्या है लोग आगे बढ़ जाएंगे, आपको लोग भूल जाएंगे। बट सबसे ज्यादा कष्ट कौन भोग रहा होता है? आपका परिवार यार। जब ये हुआ तब तो वो परेशानी झेल ही रहा है, बट उसके बाद भी उसके लाइफ टाइम का कलाल रहेगा। जब भी अपने बारे में सोचेगा तो वो सोचेगा कि भाई ऐसा क्या था, मतलब ऐसा कैसे हो गया, मतलब जो अफसोस है आप अपने परिवार वालों को लाइफ टाइम देके जाते हो। तो भाई ये जो डिसीजन है, जो भी अगर ये वीडियो देख रहे हो तो भाई ये जान लो कि मतलब बड़ा ही खराब डिसीजन है, कहने का मतलब ये एक तरह से बहुत बड़ा अपराध है। चलो एक बात, एक और बात बताता हूँ। होता ही है कि आप जब पैदा होते हो तो भाई ये लिखवा के तो नहीं जाते हो कि भाई सिर्फ सुखी सुख मिलेगा, जो मैं चाह रहा हूँ वही मिलेगा, सब चीज आपके मन की बात मुताबिक तो ना मिलने वाला है। क्योंकि जब आए हो तो भाई दुख भी झेलोगे, सुख भी झेलोगे, सब झेलोगे। क्यों भाई, तुम खाना खाते हो तो उसमें भाई चटपटा ढूंढते हो, नमक रहना चाहिए, ये रहना चाहिए। तो हमारे लाइफ में ये क्यों नहीं रहेगा भाई, सुख भी रहेगा, दुख भी रहेगा, सब चीज रहेगा। बट अपने आप को स्ट्रांग तो बनाना पड़ेगा ना, कहने का मतलब जब जीते हो तो खुद को देखा थोड़ी जाता है। इतने बड़े दुनिया में यार इतने सारे लोग रहते हैं यार, जब तुम देखोगे तो जब भी किसी को देखोगे तो पता चलेगा यार वो तो मेरे से भी ज्यादा दुखी है, वो तो मेरे से भी ज्यादा दुखी है। प्रॉब्लम किसके लाइफ में नहीं होता है, बट जो इसको पार कर जाता है उसी को तो शेर बोलते हैं ना। जरूरी थोड़ी है यार सबका हिस्ट्री में नाम ऐसे छपा जाएगा भाई। बहुत सारे ऐसे वॉरियर भी है कि भाई इतने बड़े बड़े कांड करने के बाद वो हिस्ट्री में लुप्त हो गए, उसे कोई जानता भी नहीं है। तो भाई जरूरी नहीं है कि सबका लाइफ यहाँ से यहाँ जाए, बट जब हम आए हैं जिसलिए हम लोग पैदा हुए हैं तो भाई अपने मन से क्यों जाए, कहने का मतलब सबको तो जाना ही है। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग अमर होके आए हैं, जब आए हैं तो ये जान लो कि हम लोग को जाना ही है। तो भाई हम लोग
सारा जितना दिन टाइम है तो वो सारा क्यों ना भोग के जाए, कहने में सुख दुख सारा भोग के भाई जाना तो है ही है। और एक बात यार, जब हम लोग जी रहे मतलब है ही है तो आसपास यार इतना तो यार लेके चलना चाहिए, कहने का मतलब जो भाई लोग इतना बड़े बड़े डिसीजन ले लेते हैं तो सबसे बड़ा दोषी अब किसे बोला जाए तो ये नहीं बोला जा सकता, पर भाई जो उसके करीब रहता है, जो उसको कहने का मतलब यार जब भी ऐसा कुछ फील हो चाहे ये लगे तो उसे बात ही करो, अगर बात ना कर रहा है तो बातें करो, मतलब क्या पता तुम्हारे बात करने से किसी का लाइफ सवर सकता है। खैर जो भी है भाई, अब क्या बोलूँ, मेरे पास सच कहूँ तो मेरे पास कुछ वर्ड नहीं है, और ज़्यादा बोलूँगा तो कुछ ज़्यादा होने लगेगा। तो भाई रातें भी काफ़ी हो गई हैं, तो अब मैं बोर ना करते हुए आपसे अलविदा लेना चाहूँगा, मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो भाई आज के लिए बाय बाय।